आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैफे स्टाइल स्पिनच कॉर्न सैंडविच। रेसिपी बहुत ही सिंपल और क्विक है और मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसे बनाने में। सो हे गाइस, दिस इज प्रीति फ्रॉम स्टोरी ऑफ स्पाइसेस और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं कैफे स्टाइल स्पिनच कॉर्न सैंडविच। तो सबसे पहले एक कढ़ाई को हम गैस पर चढ़ाएंगे और उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर। बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और एकदम कम आंच पे हम इसे भून लेंगे। कलर इसका ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। बस कुछ ही सेकंड्स के बाद ये जो लहसुन है वो अच्छे से भून चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे बॉयल्ड स्वीट कॉर्न और ये करीब आधा कप जितना मैंने लिया है। और अब इसे भी हम एकदम कम आँच पर भून लेंगे। तो करीब 1-2 मिनट होने आया है, जो हमारा स्वीट कॉर्न है ना वो भी ऊपर से अच्छे से थोड़ा क्रिस्पी हो गया है। तो बस हम इसे इतना ही भूनेंगे, इसका कलर जो है वो भी ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटी हुई पालक। तो मैंने यहाँ पे करीब 1 कप जितनी ली है और वज़न में ये 150 ग्राम जितनी है और इसको अच्छे से पानी से 2-3 बार धो के एकदम बारीक बारीक काट के मैंने लिया है। अब इस पालक को भी हम अच्छे से भूनेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो सारा ख़त्म हो जाए, एकदम ड्राई हो जाए। और ये पालक को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो करीब 3 से 4 मिनट होने आए हैं और ये जो पालक है ये अच्छे से ड्राई हो चुकी है और अच्छे से सिका भी गई है, ये देखिए। और आपको इसमें थोड़ा थोड़ा बटर भी दिख रहा होगा, तो हमें इतना ही इसे भूनना है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून मैदा। मैदा यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके बदले गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। और अगेन हम इस मैदे को एकदम कम आंच पे भूनेंगे। गैस की जो आंच है आपने एकदम कम रखनी है, वरना मैदा जो है वो तुरंत ब्राउन हो जाएगा, अच्छे से सिकाएगा नहीं और फाइनली जो सैंडविच है उसका पूरा टेस्ट वो ख़राब कर देगा। तो करीब 1/2 मिनट होने आया है और जो मैदा है वो अच्छे से भून चुका है। इसका कलर देखो अभी भी एज इट इज़ वाइट ही है। तो अब इस स्टेज में हम यहाँ पर डालेंगे 1 कप दूध और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब क्योंकि हमने इसमें मैदा डाला है, तो जैसे जैसे आप इस मिश्रण को चलाएंगे ये थोड़ी ही देर में तुरंत गाढ़ा होना चालू हो जाएगा, ये देखिए। तो जैसे ही जो मिश्रण है वो इस स्टेज में आ जाए, तो हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून जितना ऑरिगेनो डालेंगे और साथ में ही डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर इसे पकाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ग्रेटेड चीज़। तो मैंने यहाँ पे प्रोसेस चीज़ लिया है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और फाइनली सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस ये हो गया हमारा स्टफिंग तैयार। अब मैंने यहाँ पे स्लाइस्ड ब्रेड ली है और इसकी किनारी को हम काट देंगे। और फिर ब्रेड की जो स्लाइस है इसके ऊपर हम रखेंगे चीज़ की स्लाइस, और ये चीज़ की स्लाइस के ऊपर हम स्टफिंग जो हमने बना के रखा था वो थोड़ा सा इसके ऊपर लेंगे और एक बटर नाइफ की मदद से इसको हम अच्छे से पूरा स्प्रेड कर देंगे। और दूसरी ब्रेड की जो स्लाइस है उसको भी हम सेम वे में तैयार कर लेंगे। तो हमारी दोनों स्लाइस तैयार है। अब जो हमारा स्टफिंग है इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ को ग्रेट करके डालेंगे। अगेन मैंने यहाँ पे प्रोसेस चीज़ लिया है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अब हम एक दूसरी ब्रेड की स्लाइस लेंगे और उससे इसको हम कवर कर देंगे और हाथ से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और ऊपर वाली जो स्लाइस है उसके ऊपर हम अच्छे से बटर लगा देंगे। और इस सैंडविच के सबसे नीचे जो हमने ब्रेड की स्लाइस रखी है उसके नीचे भी अच्छे से बटर लगा देना है। अब दूसरी साइड मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ये एक सैंडविच को उठा के हम उस पर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके ऊपर हम एक ढक्कन लगा देंगे और एकदम कम आंच पे हम इसे सेक लेंगे। तो 1/2 मिनट हो चुका है और इसकी जो नीचे की साइड है वो अच्छे से सिका गई है, तो इसको हम पलट देंगे। और वापस से इसको ढक्कन लगा देंगे और 1/2 मिनट हम इसको और सेकेंगे ताकि नीचे की जो दूसरी साइड है
वो भी अच्छे से सिका जाए। तो इस तरीके से बारी बारी से दोनों साइड अच्छे से सेक गई है तो हमारी जो सैंडविच है वो तैयार हो गई। तो इसे हम एक सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। मैंने इस सैंडविच को तवे पे बनाया है, आप चाहे तो इसे ओटीजी या तो माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। कुछ साल पहले मैंने ये वाली सैंडविच फर्स्ट टाइम सीसीडी में ट्राई की थी एंड ट्रस्ट मी, तब से लेके आज तक ये सैंडविच मेरी सबसे फेवरेट सैंडविच है। और यकीन मानिए ये जो सैंडविच है ना, इसका टेस्ट एकदम आपको कैफ़े या रेस्टोरेंट जैसा ही मिलेगा। तो एक बार अपने किचन में इसे ज़रूर ट्राई करें और आपको और आपकी फैमिली को ये वाली सैंडविच बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आपको ये कैफ़े स्टाइल स्पिनेच कॉर्न सैंडविच कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें मेरे चैनल स्टोरी ऑफ स्पाइसेस पे। इसके साथ आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और उन सब की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहाँ पे आपको एक साथ सारी लिंक्स मिल जाएंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।